हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आलू परवल की सब्जी का रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से परवल को छील लिए हल्का हल्का चाकू से, और ये आलू है इस साइज़ का कट कर लिए और इस तरह से परवल कट किए हैं, देख लीजिए अच्छे तरीके से। और अब हम लोग यहाँ पर ले लिए एक बोल। अब हम लोग इसमें एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए लिए दही। ये सब्जी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई प्याज नहीं लगेगा। अगर आप लोग चाहें तो अदरक लहसुन भी स्किप कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी बन जाती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, और ये यहाँ पे लिए धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सबको डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। दही में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। अब इसमें ऐड करेंगे नमक सब्जी के अकॉर्डिंग। फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से तैयार हो गया, बिल्कुल शाइनी सा। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है इसमें, कोई गांठें नहीं है दही का। अब यहाँ पे ले लिए कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर यूज़ किया कीजिए सरसों का तेल। ये देखिए तेल जब गर्म हो गया, तो हम लोग इसको इसमें अपना आलू परवल को ऐड करेंगे। इसको तेज आंच पे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा आलू परवल तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। बिल्कुल आप लोग को भी इसी तरीके से फ्राई करना है। और अब हम लोग इसको निकाल लेंगे इस तरह से, तेल को साइड करते हुए सारी सब्जी को कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल और, आप चाहे तो ऐड कीजिए तेल, नहीं तो अगर कम तेल आप यूज़ करना चाहते हैं तो कम तेल में ही बना सकते हैं। उसके बाद तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे मेथी दाना और ज़ीरा। जब हमारा मेथी दाना और ज़ीरा बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो आँच स्लो करेंगे और इसमें डालेंगे अपना मसाला जो हम लोग तैयार करके रखे हुए हैं। ये देखिए, क्योंकि तेज आंच पर दही डालने से फट जाता है। और इस तरह से अच्छे से धो के थोड़ा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। ये देखिए अब लगातार चलाते हुए हम लोग मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको लगातार चलाना है यहाँ पे, नहीं तो दही हमारा फट सकता है। और अगर आपका दही फट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मसाले को अच्छे तरीके से भून लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, फिर एक बार मिक्सी घुमा लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हम लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे तरीके से भून रहे हैं।
ये देखिए अब हमारा मसाले का पानी सूखने लग रहा है, दही हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा है। अगर आपका दही फट जा रहा है तो आप एक बार मिक्सी घुमा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, फिर आपका मसाला बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख चुका है, मसाला हमारा लगभग भून चुका है। इसको तेज़ आंच पे 2 मिनट और अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है, इसमें कोई प्याज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह का रेसिपी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, इससे मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। शेयर किया कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका, तो इसमें हम लोग भुना हुआ अपना फ्राई किया हुआ सब्जी डाल दिए हैं, परवल और आलू। इसको अच्छे से 2 मिनट मसालों के साथ भून लेंगे तेज आंच पे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। आपको जितना पतला ग्रेवी रखना आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हम लोग एक मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे जब तक हमारी सब्जी अच्छे से गल ना जाए। ये देखिए एक बार ढक्कन हटा के मैं इसको बीच में चलाई थी। हमारी सब्जी अभी पक रही है। यहाँ पे हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है, सब्जी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और ग्रेवी कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स। ये देखिए परवल भी बहुत अच्छे से गल गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट से बनने वाली सब्जी है। ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अल्लाह हाफिज़। अब मैं चलती हूँ।